डिप्रेशन निराशा के प्रमुख कारण, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति ने महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 10 से 25% लोगों को उनके जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन के कुछ मेजर कारण जो है, वो मेजर कारण मैं आपको, प्रमुख कारण मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नंबर एक जो है वो है एब्यूज, मतलब अत्याचार करना। जैसा शारीरिक अत्याचार हुआ है बचपन में, या लैंगिक अत्याचार हुआ है, या भावनिक अत्याचार हुआ है, जैसा कोई भी एब्यूज होता है, तो उसके वजह से फिर बाद में डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन के पेशेंट को हम पूछते हैं कि भाई क्या कारण हुआ बचपन में जिसके वजह से आपको आज डिप्रेशन लग रहा है। नंबर दो, दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो दवाई से डिप्रेशन होता है, तो हमको पूछनी पड़ती है हिस्ट्री कि भाई आप कोई दवाई ले रहे हैं। जैसा आइसोट्रेटिनोइन नाम का जो ड्रग है, एक्नी के लिए वापरा जाता है वो, इंटरफेरॉन या एंटीवायरल ड्रग है, स्टीरॉइड्स, ये ड्रग से डिप्रेशन आता है, तो वो ड्रग ले रहे क्या, वो हमको देखना पड़ता है। तीसरा जो है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स, कि घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, दोस्तों के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा झंझट हो गया है, और उसके वजह से आपको डिप्रेशन आता है। चौथा है जो मृत्यु, कि कोई व्यक्ति का, घर के कोई व्यक्ति का या बहुत ही करीबी व्यक्ति का मृत्यु हो गया, या वो निकल गया व्यक्ति, कहीं चले गया, मतलब लॉस हो गया वो, तो उसके वजह से भी डिप्रेशन आता है। ये प्रमुख चौथा कारण है। पांचवा जो है वो जो है कौटुंबिक आ सकता है, मतलब हेरिडिटी आ सकता है, जीन्स में आता है, कि माँ बाप को यदि डिप्रेशन है तो बहुत चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि बच्चों को डिप्रेशन होगा। छठवां जो है कि बहुत बड़ी घटना, जैसा कोई नया जॉब मिलना, जॉब छूट जाना, एग्जाम बड़ी पास हो जाना या ना पास होना, कोई भी हो सकता है कारण। जितने चाहे उतने मार्क नहीं मिले, पास हो गए मगर, या शादी हो गई, या शादी टूट गई, या तलाक हो गया, या रिटायरमेंट लिया, मतलब ऐसी कोई भी बड़ी घटना जब लाइफ में होती है, शादी हो भी गई या शादी टूट भी गई, दोनों भी, तो ऐसा इसमें ऐसा कोई भी बड़ी घटना होती है तो उससे डिप्रेशन आ जाता है। सातवां जो है वह है वैयक्तिक कारण, पर्सनल प्रॉब्लम्स, मतलब कोई कारण से आपको फैमिली से अलग कर दिया, निकाल दिया, या समाज से निकाल दिया, और अभी आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, और आपको मतलब एक आइसोलेट कर दिया कुछ कारण की वजह से, या आपको मेंटल इलनेस करके आपको मतलब कोई और मानसिक बीमारी है, या कोई शारीरिक बीमारी है करके आपको अलग कर दिया है, तो एक कारण डिप्रेशन का हो सकता है। नंबर आठ, गंभीर बीमारी आपको यदि है, सीरियस शारीरिक बीमारी है, जैसा कैंसर के पेशेंट को जल्दी डिप्रेशन होता है, या HIV है तो उनको डिप्रेशन होता है, कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी हो गई तो उसके वजह से डिप्रेशन होता है। नौवां जो कारण है वो है व्यसन, ड्रग एब्यूज़। 30% लोगों को जो ड्रग्स लेते हैं, फिर कोई भी गांजा हो, चरस, भांग, शराब, तो 30% लोगों को डिप्रेशन आता है, ऐसे कुछ स्टडीज़ में बोला गया है कि 30% लोगों को डिप्रेशन है जो ड्रग एब्यूज़ है। तो ऐसे मेजर प्रमुख कारण है। दसवां कारण जो है वो है कि भाई केमिकल लोचा होता है दिमाग में, मतलब ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में कि सेरोटोनिन डोपामिन लेवल्स कम हो जाती है, और वो नेचुरली हो जाती है, उसका कोई कारण होता है तो उसके वजह से डिप्रेशन होता है। ऐसे 10 प्रमुख कारण है कि जिसके वजह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के लिए हम लोगों को एक तो साइकोथेरेपी देते हैं, मानसोपचार, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, CBT बोलते हैं जिसको, सम्मोहन उपचार, हिप्नोथेरेपी करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, इमेजिनेशन टेक्निक्स, और उसके साथ साथ यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन दवाई देते हैं, और उससे पेशेंट अच्छा हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, न्यूरोटिक डिप्रेशन है, तो बातचीत करके उसके दिमाग में से कोई जो ऐसे बिलीव्स बैठे हुए वो निकाल के, लॉजिकल थिंकिंग के लिए उसको प्रवृत्त करके, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी से बिना दवाई का पेशेंट अच्छा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।